एक्सरसाइज तुम्हारी चल रही थी 4.3 चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गए थे, के का मान निकाले जो होमवर्क मिल गया था, ठीक है भैया। आज क्वेश्चन नंबर कौन था स्टार्ट होना 3। एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ लो। क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कैसी हो, दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई तुम्हें याद करनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना माना बगिया की चौड़ाई। भैया चौड़ाई क्यों मान रहे हैं, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई क्या है, दुगनी है, ठीक है। तो एक्स मीटर हमने ये मान लिए, एक्स मीटर है, ठीक है। तब क्या होगा, बगिया की लंबाई क्या होगा, 2 गुना चौड़ाई। बेटे दुगनी बताई ना चौड़ाई की, हाँ। क्या हो गया 2 और चौड़ाई क्या है एक्स, तो 2 एक्स मीटर। एक मिनट रुक जाओ, अब देखो अब साफ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब लिखते हैं बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल क्षेत्रफल। तो भैया क्षेत्रफल क्या होता है आपको तुम्हें अच्छे से पता है। पहली बात तो देखो, देख लेना रखा बगिया का क्षेत्रफल दे रखा 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है भैया आपका 800। लंबाई कितनी भैया आपको, 2x है। चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर 800। क्या हो गया, 2x² बराबर 800। अब यहाँ पर देखो भैया, x² बराबर 800 कटे तो कितनी बार, 400 बार कट गया। और तुम कहोगे भैया 400 किसका वर्गमूल है, 400 किसका वर्ग है, सॉरी बताओ, 20 का, ठीक है ना, किसका है 20 का। जब भी 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20। एक्स बराबर प्लस माइनस क्या आएगा, 20। तो एक्स बराबर माइनस के 20 छोड़ने पर, क्यों लिख सकते हो कि चौड़ाई माइनस नहीं हो सकती, ठीक है, लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर आ गया, लिखेंगे माइनस के 20 को छोड़ने पर, क्योंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। आई बात समझ में, इसीलिए एक्स बराबर 20 होगी, ठीक है। तब बगिया की चौड़ाई कितनी होगी भैया, 20 मीटर, तथा बगिया की लंबाई बताओ भैया कितनी होगी, आप कहोगे भैया 2 गुना 20, दुगनी बताई थी ना लंबाई, होता है दुगनी, तो क्या होगी आपकी 40 मीटर। चेक करवाने में ये होगा, अगली बात समझ में, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है, यदि ऐसी स्थिति संभव हो सके, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं, लिखते हैं माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, क्या लिखोगे, पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, कितने वर्ष हैं, एक्स वर्ष। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बता सकते क्या होगा,
कि वर्तमान आयु। अब देखो क्या लिखेंगे, मैंने ये बताया उन दोनों की आयु का योगफल कितना है भैया, 20 है। कितना है 20, ठीक है। ये पहला मित्र है, ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है। आई बात समझ में, पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु का योग कितना है आपका, 20 वर्ष है, ठीक है। अब एक बात, अगर इसकी 5 है तो दूसरे की आयु कितनी होगी जल्दी बताओ, कितनी होगी 15। और अगर इसकी 10 है तो इसकी कितनी होगी 10। और अगर इसकी 15 है तो इसकी कितनी होगी 5 होगी। अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी होगी 18। अगर इसकी एक्स है तो इसकी कितनी होगी 20 माइनस एक्स। भाई माइनस तो कर लो 20 में से, 18 कब आया होगा जब 20 में से क्या कितने घटाए होंगे 2, 5 कब आया होगा जब 20 में से क्या घटाया होगा 15, 10 कब आया जब 20 में से क्या घटाया होगा 10, और 15 कब आया जब 20 में से क्या घटाया होगा 5। मतलब ये तो घटा रहे हो भाई, 20 में से ये चीज घटाई तो रहे हो, तो ऐसी 20 में से एक्स घटाओगे तो दूसरे मित्र की आयु निकल जाएगी ना, ये बात सही है। जब पहले की वर्तमान आयु x है तो दूसरी वर्तमान आयु कितनी होगी 20 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसा क्यों, यहाँ पर लिख सकते हो कि यह चलो यहाँ पर लिख लो, यहाँ लिख लो कि पहले मित्र की आयु, पहले फर्स्ट मित्र की आयु प्लस सेकंड मित्र की आयु, फर्स्ट एंड सेकंड मित्र की आयु, मित्र की आयु कितनी दे रखी है 20, ठीक है। तो पहले मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु कितनी दे रखी है 20, तो पहले क्या मान ली मैंने x मान ली, तो दूसरे को क्या करेंगे निकालने के लिए आई बात समझ में, 20 माइनस। अब ने कहा 4 वर्ष पूर्व, तो क्या लिखोगे 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, लिख देता हूँ मैं पहले, 4 वर्ष पूर्व या पहले, ठीक है। फर्स्ट मित्र की आयु, मित्र की आयु कितनी होगी भैया, कहोगे एक्स में से कितना हटा देंगे 4, ठीक है। और 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व सेकंड मित्र की आयु, मित्र की आयु क्या लिखेंगे भैया, 20 माइनस एक्स माइनस 4 कितना आ गया 16 माइनस एक्स वर्ष। समझ में आई है बात या नहीं है, नहीं आई तो पूछो। देखो 20 में 4 गए 16 वर्ष, आई बात समझ में। अब देख देखते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है अब 4 वर्ष पूर्व पहले वाले मित्र की आयु और 4 वर्ष पूर्व दूसरे वाले मित्र की आयु, इनका गुणनफल कितना आ रहा है 48 दे रखा है, कितना दे रखा है 48, ठीक है। गलो गुना और क्या, इसकी सेकंड में जरा 16 इसकी यहाँ पर करो माइनस के एक्स स्क्वायर और 16 चौका 64 और प्लस के 4 एक्स बराबर 48, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे 16 और 4 जोड़ दो कितने होंगे 20 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स माइनस के 64 बराबर 48 हो गया, ठीक बात। अब भैया इस 48 को जरा इधर ले आओ तो क्या हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20 एक्स माइनस के 64 माइनस के 48 बराबर 0 0 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, अच्छा उसके बाद समझते हैं। माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20 एक्स माइनस जोड़ो 8 4 12 और 12 का 2 हाँसी देख और ये हो गया आपके 11 112। अब भैया माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लेने पर जब हमने माइनस कॉमन ले, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 20 एक्स प्लस के 112 बराबर 0 आई बात समझ में। अब 112 के टुकड़े भैया कि क्या आ जाएगा आपका 20,000 आ रही बात समझ में, ठीक है निकाल लो
दो पंजे दस, दो छह बारह, दो दुनी चार, दो अट्ठे सोलह, उसके बाद क्या करेंगे चौदह बार, उसके बाद दो सत्ताईस सात इसमें से ऐसे जुमले पकड़ लो कि आपको क्या जाना चाहिए बीस आ जाना चाहिए, ठीक है। दो दुनी चार, चार दुनी आठ और दो सत्ते चौदह नहीं बननी है बात। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह और सात बाईस, ये भी नहीं बननी। दो दुनी चार, चार सत्ते अट्ठाईस और दो दुनी चार, भैया यहाँ पर भी ना बननी बात, ठीक है। अब ये तो भैया बात बनी है ये बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। दो दुनी चार, चार नहीं दो सत्य चौदह, चौदह दुनी अट्ठाईस, ये भी नहीं बननी और चौदह और ये भी नहीं बननी। तो अब क्या करेंगे, अब लगाते क्या इसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र, जब ये काम न करे फिर उस टाइम पे किसे याद करते हैं तुम, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो क्या करते हैं भैया, क्या है एक्स बराबर माइनस के वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एसी अपॉन टू, याद है ना फॉर्मूला। क्या करेंगे वैल्यू रखते हैं, अच्छा एक बार जरा यहाँ पे वैल्यू लिखो, ए का मान एक, बी का मान माइनस के बीस और सी का मान एक सौ बारह, एक सौ बारह। अच्छा माइनस के बीस यहाँ पर, एक तो सूत्र माइनस ऊपर से माइनस के बीस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस के बीस का चार, एक वैल्यू है बटे दो, तो एक वैल्यू क्या है एक, एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया भैया चार, चार माइनस गुणा हो जाएगा इसका, चार दूनी आठ, ठीक है, और ये हो गया आपके चवालीस, ठीक है। अच्छा बटे दो, अब भैया ये तो तुम्हारा हो गया मामला खराब, तुम लोग कैसे भैया अंडर रूट में माइनस के बच गए, बताया ना, और जब अंडर रूट में माइनस के बच जाएंगे पता क्या होता, वास्तविक नहीं होते, मून क्या नहीं होते वास्तविक, क्यों कैसी वैल्यू आ गई है माइनस, माइनस जो मैंने तुम्हें बताया था कि संख्या दो प्रकार की होती है वास्तविक और दूसरी काल्पनिक, क्या होती थी वास्तविक और काल्पनिक, याद है जब संख्या पद्धति पढ़ाया था स्टार्टिंग में बताया था कि संख्या आपकी दो प्रकार की होती है एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक, वास्तविक संख्या मैंने बताई थी और काल्पनिक संख्या कौन सी बताई थी जिनके अंडर रूट में क्या जावे माइनस, तो भैया वे कैसी वैल्यू देती है काल्पनिक, यहाँ पर लिख दो यहाँ मूल वास्तविक वास्तविक नहीं है इसलिए यह संभव चेक करवाना है, यह संभव नहीं है, आई बात समझ में, नोट कर लो। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर पांच क्या है आपका, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है यदि उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब करते क्या है, सबसे पहले लिखते हैं माना, एक मिनट रुको, माना पार्क की लंबाई लिखो, पार्क की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि परिमाप 80 मीटर है, क्या है परिमाप 80 मीटर है। अब देखेंगे पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर दे रखा कितना 80 मीटर, और भैया पार्क का परिमाप होता क्या है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता ना बराबर 80। अच्छा 2 लंबाई का मतलब क्या है आपका x और चौड़ाई का क्या है y बराबर 80, ये है आपका गुणा में, उधर क्या हो गया आपका भाग में, तो x प्लस y बराबर क्या हो गया 80 बटे 2,
कितनी बार गया भैया? 40 बार। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका? 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम मान सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या रखा है? छेद पर 400 मीटर, ठीक है, छेद पर लिख दो भैया पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्या होता है आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, बराबर 400, ठीक है। लंबाई आपकी एक्स है, ये आपकी वाई है, क्या हो गया भैया? 400, ठीक है भैया, समझ रहे यहाँ पे। अब क्या हो गया? अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो, क्या है? एक्स इंटू वाई बराबर क्या है आपका? 400, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से जरा एक्स की वैल्यू निकालना, तो तुमने भैया यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो एक्स बराबर क्या आ गया? 40 माइनस वाई आ गया, ठीक है। तो लिख दो एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, और जैसे आपने एक्स का मान रखा क्या हुआ? एक्स हटाओ, क्या लिख दो? 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400, गुणा करो, क्या हो गया? 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400, ये हो गया आपका माइनस के 4 वाई स्क्वायर प्लस के 40 वाई बराबर 400, ठीक है। या इधर को ही दिया हो इसको भी, तो क्या हो जाएगा? माइनस बराबर 0। इतनी बात किधर है भाई? ये इधर का आपका माइनस हो गया, यहाँ आपका माइनस है ही, लेकिन 4 वाई कहाँ है? वाई स्क्वायर तो है बेटा, वाई स्क्वायर जो है माइनस के, ये 40 है प्लस के, ठीक है। अब क्या करते हैं? माइनस लो कॉमन, माइनस कॉमन पता ना, माइनस के कॉमन ले रहे हैं भैया, ठीक है। तो अब करते क्या? वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस के 400, 400 के ऐसे टुकड़े कि क्या आ जाएगा भैया? 40 बताओ। तो तुम कहोगे 20 की 20 से गुणा कर दो भैया, 40 ही आएगा, गुणा करके तो 400 आ गया, और 20 को 20 की कहोगे क्या आ जाएगा भैया? 40 आपका ही आ जाएगा, गुणा करके देख लेना 400 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, वाई स्क्वायर माइनस 20y और माइनस 20y प्लस क्या हो गया आपका? 400 बराबर 0। क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पर भैया? आपकी वाई कॉमन है, तो वाई माइनस 20, माइनस के 20 कॉमन है, तो वाई माइनस 20 बराबर 0। आपने कहा भैया वाई माइनस 20 और वाई माइनस 20 बराबर 0, लिख दो भैया। यदि वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, तो वाई का मान क्या होगा भैया? 20 होगा, और यदि माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0, तो वाई का मान यहाँ पर भी कितना होगा आपका? 20। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे क्या है 20 मीटर और ये आपका 20। आगे बात समझ में? तो क्या होगा? पार्क की चौड़ाई कितनी होगी आपकी? 20। अब भैया लंबाई कैसे निकले? तो ये इसमें पहले रख दो वाई का मान, तो किसी का मान रख दो वाई का मान कौन से समीकरण में? वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब आपने 1 में रखा तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा था? 40। x प्लस 20 बराबर 40, x बराबर 40 माइनस 20, तो x का मान कितना आ गया आपका? 20 मीटर। चेक करो क्या लिखोगे? अतः पार्क की लंबाई आपकी 20 मीटर है भैया। उसके बाद अगर हम बात की चौड़ाई की बात करें, तो पार्क की चौड़ाई आपकी ये कितनी है? 20 मीटर। बताओ समझ में आया या नहीं? आप चेक कर सेम है, ठीक है। तो भैया ये यहाँ पर आपकी रहती एक्सरसाइज का कंप्लीट। अब जो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कौन सी के समांतर, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।